बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करने का मतलब कि आई मीन ये जो डिजीज होता है, ठीक है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो फैलता है उसको हम लोग बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो बता देते हैं। जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, उसके बाद फिर HIV एड्स हो जाता है, जेनाइटल वॉर्ट्स हो जाता है। ठीक है, तो दो जो हम जो चार एग्जाम्पल लिए तुम लोग के सामने, STDs जो होता है, हम क्या बताए कि एक ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलेगा। तो गोनोरिया, गोनोरिया दूसरा होता है सिफिलिस, ये दो एक ऐसा डिजीज है जो बैक्टीरियल है, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और तीसरा जैसे जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल वॉर्ट्स जो, और HIV जो हम एड्स बोलते हैं, ये दोनों जो है ये वायरल डिजीज है। यही दो कॉमन है जो हम लोग को जानना है। ठीक है, अब इसका सबका अलग अलग मोड ऑफ मतलब बोल सकते हैं जो ट्रांसमिशन होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। सिफिलिस और जेनाइटल वॉर्ट्स एंड HIV एड्स, तो एड्स जो है एक ये अलग है, क्योंकि एड्स जो है सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू नहीं होगा। मतलब एड्स एक ऐसा बीमारी है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्लूड, अब चाहे वो ब्लड हो या फिर स्पर्म या गैमेट जो भी हो, जैसे बोले कि मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसके थ्रू भी ये फैलता है। तो ये चार कॉमन है, इसका हम कॉजिटिव एजेंट लिख देते हैं। इसका मतलब कि स्टडी में तो ये चार जानना है, मतलब कि बैक्टीरिया, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, वायरल है तो कौन सा किस वायरस से ये होता है वो हम तुम लोग को बता देते हैं। उसको नोट कर लो, और इसमें कुछ होगा है नहीं के बाद फिर एक टॉपिक बच जाएगा इनफर्टिलिटी, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहला जो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल स्टडीज, ठीक है, उसमें सबसे पहला आ गया गोनोरिया। इसका जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है, दूसरा है सिफिलिस, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ट्रेपोनिमा पैलियडम। ठीक है, उसके बाद इसमें वायरल डिजीज, वायरल एस्टिडीज जो है इसमें दो हम लोग पढ़ेंगे, एक है जेनाइटल वॉर्ट्स है, तो ये है, ये किससे फैलता है, तो ह्यूमन पैलिलोमा वायरस से ये फैलता है। ठीक है, और दूसरा है एड्स, तो इसका जो टाइप है वो HIV, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। ठीक है, और इसका जो क्वालिटी एजेंट है वो है रेट्रो वायरस, सॉरी, इसका जो क्वालिटी एजेंट है वो है रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस। ठीक है, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी भी होता है, वो भी है, जो कि ये भी है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी भी जो है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है, ये भी वायरस डिजीज है। अब कौन सा वायरस है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस को बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का आई मीन इसमें आता है। इसके अलावा,
इसके अलावा और है ट्राइकोमोसिनिया क्लेमाइडोलाइसिस, तो सब भी है। तो ये है एसटीडीज में, इतना काफी है, इतना चार चार डिजीज जान के रखो। इसका पॉजिटिव इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट कभी नहीं पूछता है, इसलिए हम वो चीज अभी नहीं बताए। यही है हमारा, इसको नोट कर लो। हो गया? अब देखो एक और टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वैसा कपल जो फर्टाइल नहीं है, तो उस केस में दो तीन मेथड है जो हम लोग वो यूज में आता है। एक टेस्ट ट्यूब बेबी, वो क्या है कि कल्चर मीडियम में हम उसको तैयार करवाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि हम लोग फीमेल का गैमेट और मेल का गैमेट को फ्यूज करा के उससे जो डेवलपमेंट होगा वो टेस्ट ट्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब होता है? जब मेल के साथ प्रॉब्लम, या फिर मेल का जैसे मान लो पेनिस है, पेनिस को इरेक्शन नहीं हो रहा है, इरेक्शन नहीं होने के कारण जो स्पर्म होता है वो इजैकुलेट नहीं हो पाता है सही से, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर मेल का स्पर्म काउंट लो हो जाएगा तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी कुछ हो नहीं पाता। तो इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको हम लोग AI बोलते हैं, AI टेक्निक, इसमें क्या होता है कि फीमेल का जो है वो गैमेट वो लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा कोई हेल्दी मेल डोनर, ठीक है, मेल डोनर को लेके उसके स्पर्म को लिया जाएगा, और स्पर्म को लेने के बाद दोनों को फ्यूज करके जायगोट बना दिया जाएगा, ठीक है। जायगोट के बाद फर्दर इम्ब्रायो, ये सब लेबोरेटरी में होगा। और जब ये इम्ब्रायो बन गया तब, ठीक है, तब हम फीमेल बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक तरह का बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद एक टेक्निक है तुम्हारा स्पर्म इजेक्शन इंटू ओवम। मान लिया जाए कि एक दूसरा जो टेक्निक है वो स्पर्म इंजेक्शन टू ओवम। इसमें फीमेल बॉडी के अंदर में ही, यहाँ पे क्या हो रहा था, इम्ब्रायो तक हम लोग डेवलप करा रहे थे, यहाँ पे क्या होगा कि फीमेल बॉडी के ही अंदर में कोई हेल्दी स्पर्म को डायरेक्टली हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो वहां जाके फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइज होने के बाद क्या करेगा, वो वहां जाके फर्दर वो ग्रो करेगा और अटैक। मतलब फीमेल बॉडी यहाँ पे हेल्दी है, ठीक है, और यहाँ पे मेल का गैमेट को फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे भी फीमेल बॉडी का जो ओवम होता है, गैमेट जो है वो हेल्दी है, बट हम फीमेल और मेल, मेल तो हम किसी और से लेंगे, मेल गैमेट जो कहीं और से लेंगे, बट फीमेल के बॉडी से ही गैमेट को हम लोग निकालेंगे। उस गैमेट को लेने के बाद दोनों को लेबोरेटरी में फ्यूज कराएंगे, जायगोट बनाएंगे, इंद्रा, ये लेबोरेटरी का काम, प्रोसीजर है, ठीक है, कि दोनों गैमेट को लेना है। इसमें क्या होगा कि हेल्दी डोनर, मेल डोनर ढूंढना पड़ता है, और फीमेल का ऑलरेडी है। जैसे मान लो कोई कपल है, उसका मेल का रिप्रोडक्टिव जो भी सिस्टम है या ऑर्गन है वो सही से काम नहीं करेगा, फीमेल तो हेल्दी है ना, तो फीमेल के ओवम को निकाल लिया जाएगा, उसको किसी और से और के गैमेट को लाके फ्यूज करा के लेबोरेटरी में कराएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फीमेल बॉडी में ही किसी और हेल्दी डोनर का स्पर्म लेके इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और जिसके कारण
सर आपका अब सर वीडियो इसका पॉज हो जा रहा है नेटवर्क सर बीच बीच में। तो ठीक है जी, ठीक है अभी ठीक आ रहा है ना? हाँ सर बीच बीच में रुक जा रहा, अभी अच्छा ठीक। अच्छा अभी ठीक है, समझ गया। तीन चीज हम बताए, क्या बताए? एक बताए टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, जिसमें से हम टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, कोई हेल्दी डोनर, ठीक है, कोई हेल्दी डोनर को लेते हैं, ठीक है, या मेल या फीमेल जो भी हो, या फिर दोनों को हम लेके एक में उसको ग्रोथ कराते हैं, ना कि फीमेल बॉडी में कराना है, ऐसा कुछ नहीं, इसको कल्चर मीडिया में ग्रोथ कराते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हुआ, फीमेल का भी गैमेट को लिया जाएगा, मेल का भी गैमेट को लिया जाएगा, दोनों को फर्टिलाइज करा के जायगोट, फिर इम्ब्रायो स्टेज तक उसको लेबोरेटरी में रखेंगे, तब इंट्रोड्यूस करेंगे इन फीमेल बॉडी, मतलब बस अटैचमेंट करवाएंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या बताएं कि डायरेक्टली फीमेल के बॉडी में कोई हेल्दी डोनर से स्पर्म लेके उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, आई मीन इंजेक्शन इंजेक्ट कर देंगे, और फिर वो अपना फर्दर प्रोसेस करेगा। यही इनफर्टिलिटी में यही तीन केस है, ठीक है। इसमें कुछ, अगर इसमें अब कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसलिए तुमको एमटीपी एबॉर्शन के बारे में बताए थे। देखो तो एबॉर्शन का कुछ कुछ चीज है उसको और समझ लो, जैसे डाटा था कि पूरे मतलब क्या कुछ डाटा है वो हम बता देते हैं, ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में भी है कि कितना एक साल में कितना एबॉर्शन होता है, तो अबाउट 45 to 50 million एबॉर्शन एक साल में हो जाता है, ठीक है, पूरे का है। दूसरा है कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कहा इस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि 1/5 जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, मतलब 5 में 1 देखा जाए तो 5 में 1 जो प्रेगनेंसी होता है, आई मीन छठा जो प्रेगनेंसी होता है उसको एबॉर्शन कराना पड़ता है पूरे साल में, जितना सारा हो जाए, ये एक डाटा या ध्यान रखना। दूसरा इसमें क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी या एबॉर्शन में क्या देखा जाता है कि वो 3 महीने तक ही सेफ बोला गया है, ठीक है, जो पिछले क्लास हम नहीं बताया था वो बता देते हैं, 3 मंथ तक ही इस एबॉर्शन का जो मैकेनिज्म है इसको सेफ बोला गया है। अगर 3 मंथ के बाद अगर हम एबॉर्शन का मैकेनिज्म करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो है लॉस जो है, आई मीन वो फीमेल बॉडी को होगा, क्योंकि एबॉर्शन का जो प्रोसेस है उसमें ब्लड का लॉस है, और उस टाइम तक बहुत कुछ ऑर्गन वगैरह बन चुका होता है, 3 महीने तक भी बहुत कुछ बन जाता है, बट ब्लड का लॉसिंग वहां पे कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद अगर एबॉर्शन हम करा आई मीन अगर करवाते हैं किसी का, तो उसके मेल बॉडी पे डायरेक्टली असर पड़ेगा, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होगा जिसमें खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो सेफ जो है वो 3 मंथ तक बोला गया है, उसके बाद एबॉर्शन नहीं करा सकते। इसमें बस यही है, एबॉर्शन का कुछ लीगलाइज्ड और इलीगल कब नहीं हो सकता और कब हो सकता है ये भी डिस्कस हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, इसमें से कुछ अगर पूछना है प्रीवियस का तो पूछ सकते हो ना, फिर आज हम जेनेटिक्स का। तुम्हारे पास है 1-2 मिनट टाइम, अगर तुम लोग को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, किसी को भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? हाँ हाँ बोलो बोलो, आवाज बहुत कम आ रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रोजेस्टेरॉन। देखो एस्ट्रोजन सेल को मैच्योर करना ताकि वो ओवा को रिलीज कर पाए, लेकिन उसके बाद
प्रोजेस्टेरॉन ही बनेगा तभी वो बेड वगैरह प्रिपेयर होता है, ठीक है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लैक हो जाएगा तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो जो बेडिंग होता है उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह है एंडोमेट्रियम में, तो वही जब ब्रेक होता है तो वो रिलीज होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन होगा यहाँ पे, ठीक है। लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन काउज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बोलो सर, ये वाला फिर से समझा दीजिए ना, कनेक्शन नहीं था। बोलो सर, ये जो सामने जो है देखो, देखो हम लोग अभी जो पढ़े वो इनफर्टिलिटी पढ़े, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी क्या है, मतलब वैसे कपल जो किसी कारण से किसी बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब वो रिप्रोडक्शन के एबल नहीं है, चाहे वो कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे वो फीमेल में हो या मेल में हो, ठीक है। उसके लिए हम तीन टेक्निक बताए, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि हम इस प्रोसेस में किसी का गैमेट को लेते हैं, हेल्दी गैमेट को लेते हैं, फ्यूज कराते हैं, जायगोट बनाते हैं, इम्ब्रायो बनाते हैं और उसको फुल्ली डेवलप कराते हैं, फिटेड सारा एक मीडियम में होता है, लेबोरेटरी के बोलते हैं ना कि लेबोरेटरी में ये डेवलप किया गया है, ठीक है। तो एक मीडियम में बनाते हैं, इसलिए टेस्ट ट्यूब बोला गया है इसमें। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का केस कब आता है, जब मेल में किसी तरह का प्रॉब्लम है, मेल का जैसे प्रॉब्लम की इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं हो रहा है, क्योंकि इरेक्शन ऑफ पेनिस पेनिस इजैकुलेटरी डक्ट, और अगर वो नहीं इरेक्ट होगा तो स्पर्म इजेक्ट नहीं होगा, तो स्पर्म काउंट बहुत लो हो जाएगा, और स्पर्म काउंट लो होगा तो फ्यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल के प्रॉब्लम होने से क्या हुआ कि फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट मदर नहीं बन सकते, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि फीमेल का ओवम को, ठीक है, और हेल्दी कोई डोनर को हम लोग ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल से डोनर ऑलरेडी रहता है, हेल्दी डोनर या मेल डोनर का स्पर्म को लेते हैं, दोनों को फ्यूज कराते हैं, जायगोट बनाते हैं, इम्ब्रायो तक लेबोरेटरी में करवाते हैं, इम्ब्रायो का फॉर्म जो होता है, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स वगैरह जो था, तो इम्ब्रायो स्टेज तक हम लोग लेबोरेटरी में बनवाते हैं, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली फीमेल बॉडी में इम्ब्रायो को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो अटैच, ठीक है, ये प्रोसेस था। दूसरा, स्पर्म इंजेक्शन टू ओवम, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, किसी कप मेल के केस में क्या है कि मान लो मेल का स्पर्म ही नहीं सही से बन रहा है या लो काउंट है और फीमेल हेल्दी है, ठीक है। फीमेल में बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और स्पर्म इंजेक्शन दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है, बट इसमें क्या होता है, इसमें बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मान लिया जाए फीमेल फीमेल हेल्दी है बट मेल हेल्दी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे कि किसी डोनर से गैमेट को, मेल गैमेट को, स्पर्म को हम कलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोड्यूस करने से फिर वही प्रोसेस वही जाएगा, जायगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, जो प्रोसेस नॉर्मल होगा होगा, बट हम लोग आर्टिफिशियली उसको एक तरह का इंसेमिनेट या एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे फीमेल बॉडी में इस केस में। बट इस केस में क्या है कि जायगोट बनाना है, एम्ब्रायो बनाना है, एम्ब्रायो बनाने तक बाहर करना, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करना, यही इसका इनफर्टिलिटी में तीन केस है। इसके अलावा बहुत सारा केस है कि फीमेल के केस में भी होता है, जैसे हुआ अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, फर्टिलाइज ही नहीं हो पा रहा, गैमेट ही नहीं बन पा रहा, बहुत तरह का है, तो उसमें ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या, जैसे टेस्ट ट्यूब में क्या होता है फर्टिलाइजेशन के केस में कि मेल का जा रहा है, फीमेल का क्या है वो आ ही नहीं रहा है, ओवम मिल ही नहीं रहा, तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, उस केस में हम लोग टेस्ट ट्यूब का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि डिपेंड करता है किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, मेल फीमेल सबका अलग अलग हो सकती है टेक्निक, तो ये तीन टेक्निक हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और यही है, ठीक है। और बोलो, हो गया, और कुछ पूछना है, फिर हम लोग आगे बढ़े जेनेटिक्स में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है, वो है जेनेटिक्स। इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा पढ़े ही हूँ टेंथ में, तो बताओ कोई क्या होता है जेनेटिक्स, या फिर हम लोग जेनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें किस चीज का स्टडी करना है, कोई बताओ। जेनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, या किस मतलब फील्ड में ये बात होगा, बताओ कोई कुछ बताओ। उदय साक्षी बताओ, साक्षी बताओ जेनेटिक्स क्या होता है, ये तो पढ़े हो। जीन्स का स्टडी सर जो होता है। हाँ, जिनके स्टडी को हम लोग जिनके स्टडी को करते हैं हम लोग क्या, जेनेटिक्स। और कुछ देखो, सबसे फर्स्ट में जेनेटिक में आई मीन हाँ इस मतलब पार्ट में साइंस का जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच दो चीज, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सर ठीक है, जेनेटिक्स पढ़ने का मेन जो है यही है। आप बोलो सर, वीडियो सर बहुत ज्यादा रुक रहा है सर, अब थोड़ा रिकनेक्ट कीजिए क्या। अच्छा रुको, हम फिर से रिकनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिकनेक्ट करते हैं। अब आ रहा है ठीक वीडियो? हाँ सर अभी तो ठीक है। चलो ठीक है, अब ऐसा कुछ होगा तो बताना हम। हाँ तो हम क्या बताने वाले थे कि जेनेटिक्स जो है वो इस चीज के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं उसमें, कि ये मतलब एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। और हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस जिसमें ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जीन रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेटली हम लोग यहां पे पढ़ेंगे जीन के बारे में, ठीक है, कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो प्रोसेस हो रहा है ये कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, क्यों होता है या फिर क्यों होना चाहिए, ये सब चीज। आखिर कोई भी पेरेंट्स का कैरेक्टर कैसे पास करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, वो सारा कुछ एवरीथिंग हेरिडिटी एंड वेरिएशन में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी ट्रैट्स का कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है जीन में। तो हम लोग अल्टीमेटली स्टडी किसका करेंगे, जीन का, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछ दे कि जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, तो स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। अब ये दोनों जो भी प्रोसेस है, फंक्शंस है, वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसका है, वो जीन का है कि इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा जेनेटिक्स का पर्पस, ठीक है। दूसरा क्या है कि जेनेटिक्स का जो है आई मीन और क्या क्या हम लोग को हेल्प हो सकता है, तो जीन का स्टडी का हेल्प, जीन का स्टडी से हम लोग को जो हेल्प है वो बहुत सारा फंक्शन, जैसे हम लोग का बॉडी का बहुत सारा फंक्शन है जो जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग बायोटेक में भी क्या पढ़ेंगे, बायोटेक में वहां पे भी हम लोग पढ़ते हैं किसी चीज का जीन को मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट करने के बाद जो उसका जो प्रोडक्टिव या यूजफुल प्रोडक्ट होगा वो हम लोग यूज करते हैं, जैसे वैक्सीन, वैक्सीनेशन है, एंटीबायोटिक्स वगैरह है, ये सब चीज होता है। तो मेनली
इसमें आई मीन जेनेटिक्स में हम क्या बताए कि हम लोग मेनली जीन के बारे में पढ़ेंगे कि जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे ट्रांसफर करता है, कैसे क्या फंक्शन करता है, किस तरह से किसको वो मेंटेन करता है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो कंट्रोल सेल का अगर बात करें, सेल का कंट्रोल सेंटर कौन होता है, तो वो न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए, और डीएनए जो होता है वो जीन कंट्रोल, जीन प्रेजेंट होता है, और जीन ही जो है सारा कैरेक्टर करैक्टर को, उसके हेरिडिटी प्रोसेस को, उसके वेरिएशंस को मेंटेन करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका कुछ हिस्ट्री है वो जान लेते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक क्या बोलते हैं, मेंडल। आखिर हम लोग जे जी मेंडल क्यों बोले, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो है जिन के बारे में बताना इसी का काम था, यही बताए थे। ठीक है, इस ये जो है इस जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा वर्क भी किए थे और जिसके बहुत सारे लॉ भी दिए थे, लॉ एंड प्रिंसिपल जो है मेंडल साहब ही दिए थे। ठीक है, अब देखो थोड़ा मेंडल साहब का कुछ कहानी भी है जो हम लोग को थोड़ा जानना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में मेंडल बहुत गरीब थे। ठीक है, और इनका जहाँ पे था ये जहाँ पे रहते थे अपने गाँव में, ठीक है, वहां पे किसी भी चीज का सुविधा था ही नहीं। ठीक है, और ये भी एक चीज बोला गया है कि ये जो इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इनका जो भी लॉ दिए हैं, जो भी प्रिंसिपल दिए हैं, ये बहुत दिन के बाद इनका पब्लिश हुआ या फिर इनका किया गया है, मतलब कहने का अप्रूव्ड हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक नया साइंटिस्ट था ह्यूगो डेवेरिस, ठीक है, वो इसी बेसिस पे डिस्कवरी कर रहे थे। तब तक उनको ये पता चला कि जो हम कर रहे हैं वो पहले कोई करके जा चुका है, इसीलिए उनका प्रिंसिपल एंड थ्योरी को री मेंडेलियन डिस्कवरी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल जो थे वो सबसे पहले कि वो थे क्या, ठीक है, तो वो बहुत ही गरीब थे। दूसरा चीज क्या कि वो 25 इयर्स के एज में वो अपना सारा कुछ कंप्लीट किए हुए थे, कंप्लीट इन द सेंस कहने का मतलब जो भी उनका पढ़ाई लिखाया था वो कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 25 ईयर में सबसे पहले वो पादरी बने, पादरी इन द सेंस प्रिस्ट बने वो। उसके बाद फिर जब वहां उनको मन नहीं लगा तो लौट के आके वो टीचर बन गए, टीचर से भी फिर मन नहीं लगने लगा तो फिर अल्टीमेटली वो बॉटनी एंड एक और सब्जेक्ट है जिसमें वो एमएससी किए थे, हम बता देते हैं एक्सकेंड। ब्रीडिंग बॉटनी एंड और एक था उनका, हाँ बॉटनी एंड फिजिक्स। ठीक है, ये चीज में फर्दर स्टडी करने के बाद अल्टीमेटली वो कहीं पे पढ़ाए भी, स्कूल टीचर भी रहे। जब वो वापस लौटे तो एक दिन क्या था कि वो अपना अपना जो गार्डन था, गार्डन में वो टहल रहे थे तो वहां पे पी प्लांट को देखे। जब पी प्लांट को ऑब्जर्व किए तो उनके दिमाग में ये आया कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स से भी पहले ध्यान नहीं दिया, पहले ध्यान दे कि कोई छोटा प्लांट है, कोई लंबा प्लांट है, इस तरह का वो एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिमाग में सोचते थे कि आखिर ये होता कैसे। ठीक है, पहले वो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अपना वर्क स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो जो भी वर्क स्टार्ट करता है तो कुछ ना कुछ बेसिस लेगा, तो वहां पे प्लांट का कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, तो उसी में कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का जो कॉन्सेप्ट आया था कि कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या होता है वो हम लोग वहां से। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जैसे मान लो टॉन एंड डॉर है, ये दो करेक्टर, बट इसको बोला जाता है वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। कहने का मतलब कि ये वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, एक के बदले फिर उसका अपोजिट लेंगे तभी ना हमको रेशियो पता चलेगा। तो जब देखो उनके दिमाग में ये था कि टॉल भी प्लांट है, ड्वार भी प्लांट है, तो ये दोनों प्लांट हुआ कैसे, आखिर ये कितना क्या होता है कैसे, तो सबसे पहले उनके दिमाग में स्टैटिक्स था। ठीक है, कहने का मतलब कि ये दोनों को फ्यूज करके वो सोचते थे कितना टॉल आएगा कितना डार्क होगा। उनको पता ही नहीं था कि ये जो कैरेक्टर कंट्रोल करता है उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है। तो जब स्टार्टिंग में वो अपना एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन जो स्टार्ट किए तो सबसे फर्स्ट में 32 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके किए थे, फिर अल्टीमेटली 24 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके वो क्या सोचे कि हाँ कितना लेके हम जो है अब अपना जो प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन है वो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उनका सबसे पहला एक दिमाग में ये था कि कौन सा छोटा कौन सा, मतलब स्टैटिक्स मैथमेटिकल स्टडी वो करना चाह रहे थे, और दूसरा था कि ये जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। तो थ्रू प्लांट ब्रीडिंग, थ्रू
प्लांट बिल्डिंग उस प्रोसेस को, क्योंकि वो डिजायर कैरेक्टर भी ले रहा था और कभी भी दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर एक साथ यूज करते उसको फर्टिलाइजेशन बोलो, हाइब्रिडाइजेशन बोलो या ब्रीडिंग बोलो, सब एक ही चीज है, बट टर्म अलग अलग जगह यूज होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली 24 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके स्टार्ट किए, लेकिन वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तक ही अपना जो है एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर पाए। और यहाँ पे सबसे जो उनके पास टेक्निक था वो ब्रीडिंग टेक्निक था, ब्रीडिंग प्रोसेस से ही वो सारा कुछ एक्सपेरिमेंटली वो कर रहे थे, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए तो जब जो भी उनके पास कैरेक्टर था, तो स्टैटिकली अगर बात करें या फिर मैथमेटिकली बात करें तो उनके पास बहुत सारा रिजल्ट आया। उसी बीच में उनको ये ख्याल आया कि आखिर ये जो टॉल प्लांट है या ड्वार्फ प्लांट है या जो कलर है, ये ठीक है टॉल और ड्वार्फ तो समझ में आ रहा है कि अगर हम फ्यूज कर रहे हैं तो पहला चारों प्लांट टॉल आ जा रहा है, फिर कुछ फर्दर कर रहे हैं, फिर कुछ अलग अलग रेशियो आ रहा है। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज आया कि आखिर ये जो रेशियो आ रहा है, ये जो हो रहा है, लंबा है छोटा है या फिर हम बोल सकते हैं कलर वगैरह जो भी कंट्रास्टिंग करेक्टर को लिए थे, तो ये करेक्टर कौन कंट्रोल करता है। तब अल्टीमेटली उनको पता चला कि प्लांट में जो सेल है उसमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट जो इस करेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। सबसे पहला वो टर्म करेक्टर को दिए थे फैक्टर, जिनको लिखे थे फैक्टर, और ये फैक्टर जो है ये ट्रैड को मेंशन कर रहा था, और यही ट्रैड जो है अल्टीमेटली ट्रैड को हम लोग अभी क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं। ट्रैड को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं। समझ में आया वो कहां कैसे कैसे क्या क्या गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल, बाद में उनको जिनके बारे में पता चला, आखिर उनके दिमाग में आया कि ये जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है ये हो कहां से रहा है, कौन कर रहा है, ठीक। तब अल्टीमेटली वो जिन जिसको जिन को वो फैक्टर बोले, और वही फैक्टर को ट्रैट, ट्रैट मतलब जिन, जिन तो हम लोग समझ, जिन और कैरेक्टर दो चीज हम लोग अभी सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को फैक्टर यूज किए थे और कैरेक्टर को ट्रैट यूज किए थे, ठीक है। तो इस तरह से अल्टीमेटली वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना, एक ऐसा प्रिंसिपल दिया जिसमें ये पता चला कि हर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, सॉरी हर एक कैरेक्टर का जो मेंटेनेंस होता है वो बॉडी के डीएनए से होता है, और वो डीएनए का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को मेंशन कंट्रोल करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए छोटा सा सेगमेंट का ही जरूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत चाहिए सेगमेंट, जैसे हम लोग के बॉडी में बहुत सारा कैरेक्टर है जो हमारे पेरेंट्स से आया है, जो हमारे ऑफस्प्रिंग में भी जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये जो ट्रांसफरिंग का जो भी मैकेनिज्म हो रहा है, तो सेम चीज प्लांट में हो रहा था, तो वो बोले कि हाँ एक ऐसा सेगमेंट है जिसको अभी हम लोग जिन जानते हैं, पहले उनको फैक्टर बोला गया, और वही फैक्टर जो है जिसको हम लोग अभी कैरेक्टर मान रहे हैं या कैरेक्टर लोग बोलते हैं। समझ आया प्रोसेस कौन सा लिखा, प्लांट बिल्डिंग, ध्यान रखना। समझ में आया ना, यहां तक इनका थ्योरी यही है। हेलो, हाँ सर, एक चीज है तुमको, एक चीज समझ आ गया। हाँ, एक चीज और इसमें बताते हैं, एनसीईआरटी बुक्स में देखना कौन कौन सा, जैसे बहुत सारा इसमें स्टेट सिटी का नाम दिया है, जैसे वो कहाँ जन्म लिए, तो सिलिसियन जो विलेज था वो कहाँ था, तो क्रेंच पब्लिक में था। कब जन्म लिए, तो 1822 में। कहाँ पे थे, तो बर्नो ऑस्ट्रेलिया में वो फर्दर स्टडी किए, ठीक है, 21 एज तक वहीं किए, फिर 25 एज में वो मॉनेस्टरी में ही वो पादरी बनाए गए थे। फिर एक फिर चल गए कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वीना, जहाँ वाइना, जहाँ पे वो बॉटनी एंड फिजिक्स के, फिजिक्स का वो डिग्री लिए। उसके बाद फिर वो अल्टीमेटली जब ब्रुन आए, ब्रन आए, तो वहां पे वो फिजिक्स एंड लाइफ साइंस के टीचर बने। किए थे देखो किसमें किए थे, बॉटनी एंड फिजिक्स से वो किए थे स्टडी किए, लेकिन अल्टीमेटली वो जब बर्न आए तो फिजिक्स एंड लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस को वहां पे वो टीचर बने थे, ठीक है। उसके बाद फिर 14 साल तक वो टीचिंग किए, उसके बाद फिर वो जब अपने घर आए तो उनको फिर वही 25 साल के एज में उसको फिर बना दिया गया, प्रिस्ट बना दिया गया। ये सब चीज है उनका, तो कुछ कुछ साइंटिस्ट है, सॉरी कुछ कुछ नाम होगा वहां पे, उसको देख लेना, ठीक है, ये चीज है। बट इनका यही एक था कि कैसे वो स्टार्ट किए थे,
ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिकल स्टैटिकल था स्टार्ट, उसके बाद फिर वो आए कि हाँ कौन है। ठीक है, अब उनके पास प्लांट ब्रीडिंग था, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस था, कैसे हम गैमेट को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जब प्लांट ब्रीडिंग जब स्टार्ट किए थे, आयन कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर को लेके जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे, तो बहुत सारा लॉ दिए। उसके पहले कुछ और चीज जानना है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानने वाला बात है कि आखिर वो पी प्लांट को ही क्यों लिए थे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए वो क्यों लिए थे, तो सबसे पहला ध्यान देना क्या होता है, गार्डन पी को लेने का उनका मेन मकसद था क्या। ठीक है, कि जो भी कॉन्ट्रैक्शन सब सब गार्डन पी, तो ये सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गार्डन पी का जब क्रॉस कराते हैं वो सेल्फ एंड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या फर्टिलाइजेशन दोनों वो शो करता था। आई मीन वो दोनों इजिली वे में कर सकता था, क्रॉस भी कर लेता था और सेल्फ भी कर लेता था, पहला। दूसरा था कि इसका जो प्रोडक्ट होता है, आई मीन प्रोड्यूस जो करता था, प्योर लाइन, कहने का मतलब ये पैरेंट का गैमेट है, सपोज दैट ये पैरेंट का दो गैमेट है और यहाँ ऑफस्प्रिंग हुआ, तो ये जो है प्योर लाइन ब्रीडिंग बोलते हैं इसको, प्योर लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये शो करता था, कोई ब्लेंडिंग नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो टॉल प्लांट लिए और ड्वार्फ लिए, ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, टॉल एंड ड्वार्फ, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, ये दोनों को जब फ्यूज करेगा या तो टॉल या तो ड्वार्फ आएगा। अब ऐसा नहीं कि कोई बीच का हाइट का आ गया, अगर वो बीच का हाइट का आ गया तब तो एग्जैक्ट रेशियो निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा था ना, कैरेक्टर को निकाल शो करना बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा था कि कौन सा दिन किसके, क्योंकि अल्टीमेट स्टार्ट किए तो अल्टीमेटली उनको पता चला कि जीन एक ऐसा पार्ट है जो कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस कर रहा है। अब मान लिया जाए कोई कैरेक्टर, आई मीन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में हम टॉल एंड ड्वार्फ दोनों लिखे और उस जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि जीन तो हम लिए टॉल एंड ड्वार्फ था लेकिन आया कोई और, इसके लिए तो प्रॉब्लम हो सकता था लेकिन था जो लेते थे के तौर पर जिसको लाइन प्लांट। यस बीच में ऐसा काम कर रहा है, नेट तो यूज ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो पालाम क्या बताया कि सेल्फ एंड क्रॉस, दूसरा प्योर लाइन ब्रीडिंग और तीसरा शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये सबसे अहम बात। मतलब एक पी प्लांट का थ्री टू फोर मंथ ही होता है, मतलब तीन से चार महीने में जो वो एक्सपेरिमेंट करते थे, 3 से 4 महीने में ही रिजल्ट निकल जाता था। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा बहुत सारा था, जैसे मान लिए वो बहुत सस्ता था, बहुत छोटे एरिया स्मॉल एरिया में नंबर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर सकता था, तो ये सब भी बेनिफिट, मेन जो बेनिफिट है वही सेल्फ एंड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, प्योर लाइन ब्रीडिंग का रिजल्ट आ रहा था और शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि आखिर वो पी प्लांट को ही अपना एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्यों लिया, या पूछ सकते हैं कि आखिर जो मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल लिया, ठीक है, उसके लिए वो पी को ही क्यों लिया, पहला बॉटनिकल नेम समझ लो, आई मीन जान लो पाइजम सैटिवम होता है। ठीक है, और इस मटेरियल को लेने का सबसे मेन रीजन यही है, ये क्वेश्चन पूछता है हमें, हम लिखवा देंगे पहले भी समझ लो, हम बोर्ड पे जेनेटिक्स का नोट्स हम लिखवाते भी जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज था इसका कि क्यों लिए, समझ आया। अब देखो जब हो गया कि हाँ अब समझ में पी प्लांट को क्यों लिए, कितना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो ध्यान रखना 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिए थे वो। ठीक है, तीसरा कि पी प्लांट में कौन पाइजम सैटिकम, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक मास्क में हमेशा पूछता है, लेकिन ये जो है कि उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पी प्लांट ही क्यों था, वाई, तो ये उनको लिखना पड़ेगा 4-5 पॉइंट, वो हम आगे लिख देंगे। ठीक है, तो ये था। अब उनका जो एक्सपेरिमेंट का मेथड था, ये आखिर जो वो लॉ दिए, ठीक है, उनका जो लॉ दिया गया, तो लॉ
दे दिए, ठीक है। तो लॉ देने का भी कुछ मेथड है, आई मीन क्रॉसिंग करने का भी उनका मेथड था, ठीक है। तो क्रॉसिंग में ली वो दो टाइप का प्लांट को लेके लिए, एक मोनो हाइब्रिड और एक है डाई हाइब्रिड पी प्लांट को लेके किया था, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड में वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर और डाई हाइब्रिड में क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, इस तरह का वो एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। तो मोनो हाइब्रिड में कैसे हुआ था, जैसे सपोज इट मान लो ये एक एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट करना था मोनो हाइब्रिड में, तो ये सबसे पहला जो प्लांट का करेक्टर था, एक था टॉल एंड एक दूसरा था डॉल, ठीक है। दूसरा जो इसका एक्सपेरिमेंट का था कि सबसे पहले हम लोग गैमेट इसको कैसे निकालना है या गैमेट बनाना है, ठीक है। तो गैमेट बनाने का भी एक लॉ दिए जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि गैमेट को निकालना ये भी एक लॉ में लाया गया, क्योंकि जब तक गैमेट सही से नहीं निकाल पाएंगे, सही से अलग नहीं कर पाएंगे, तो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन था थ्रू मियोसिस, तो उसी प्रोसेस को वो बोल दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये, ठीक है। तो ये पहला था। उसके बाद इसका जब एक्सपेरिमेंट हुआ, तो एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जो भी रिजल्ट आएगा, चार प्लांट का रिजल्ट आएगा, सारा जो था वो सारा टॉल प्लांट था। ये है, ये इसका F1 hybridization ही इसको बोलते हैं, ठीक है, या F1 प्रोजेनी बोलते हैं इसको। कहने का मतलब मोनो हाइब्रिड में जब पहला बार किए, तो पहला जो प्रोजेनी हुआ, फर्स्ट टाइम जो प्रोजेनी हुआ, उसमें सारे का जो रिजल्ट था वो ऑल टॉल प्लांट था। इसी से वो फिर अपना लॉ भी दिए, ठीक है, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट हुआ तभी वो लॉ को दे पाए। तो जब पहला जनरेशन में F1 जनरेशन भी बोलते हैं इसको, F1 जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्योर पैरेंट है, गैमेट है, फिर यहाँ पे उनका ऑफस्प्रिंग है। तो जब ऑफस्प्रिंग हुआ, तो पहला जो था कि F1 जनरेशन में सारा जो प्रोडक्ट हुआ वो डोमिनेंट हुआ, कहने का मतलब वो सारा टॉल निकला। और इस दोनों में, क्योंकि यहाँ दो कैरेक्टर है लेकिन एक्सप्रेस हुआ एक, तो हम लोग बोलते हैं ना, मान लो कोई दो आदमी है और एक आदमी एक पे हमेशा हावी होता है, डोमिनेंट होता है, बोलते हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसी तरह ये है कि दो जीन था लेकिन जीन एक ही एक्सप्रेस किया, वो किया टॉल का। तो F1 जनरेशन जब हुआ रिजल्ट, तो इस बेसिस पे वो पहला जो था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका सेल्फिंग होगा, कहने का मतलब टी, क्योंकि ये चार इन नंबर में 4 × 2, और जब इसका सेल्फिंग हुआ तो पैरेंट ये रहा, ठीक है, क्योंकि F1 में जो प्रोडक्ट हुआ उसी का सेल्फिंग ये। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं हाइब्रिडेशन, तो इसका रिजल्ट क्या होता है वो देखो, ये होता है, ठीक है। इसमें क्या देखा गया, तीन टॉल और एक ड्वार्फ देखा गया, एक द्वार पे देखा गया। तो यहाँ भी एक तरह से ये चीज होता है कि नहीं, देखो इसमें भी क्या, डोमिनेंट जो है वो ज्यादा टॉल है, क्योंकि टॉल का हुआ। तो मोनो हाइब्रिड से जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है वो आया सामने, ठीक है। इसको समझ गए ना, हाँ ये तो समझे ही हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डाइहाइब्रिड, इसके बाद फिर हम इसका लिखवा देंगे, ठीक है। डाइहाइब्रिड में क्या लिया गया, टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। तो टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर में मान लिया टॉल और उसका कलर, और ड्वार और उसका कलर। तो ये टॉल एंड राउंड और यहाँ ड्वार एंड रिंकल्ड, ऐसा लिया गया। जब इसका हुआ चारों प्लांट, तो इस तरह का रिजल्ट आया, ठीक है। इसमें भी N2-4 होगा, इसमें भी F1 जनरेशन होगा। तो इसमें भी ये देखा गया कि जो पहला F1 जनरेशन हुआ उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंट को फुलफिल किया हुआ, आई मीन F1 जनरेशन में जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ क्योंकि सारा टॉल एंड राउंड था, टॉल एंड राउंड इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद
इसका भी सेल्फिंग हुआ तो अल्टीमेटली तब चार गैमेट निकला, ठीक है, इसमें कौन कौन सा समझ लो, टी आर, उसके बाद फिर ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब इधर भी वही था, ये, और जब इसका हुआ तो फ्यूजन होने के बाद जो रिजल्ट आया वो 9:3:3:1 का रेशियो में, ठीक है, मतलब टोटल प्रोडक्ट 16 हुआ और उसमें ये रेशियो आया, ठीक है। अब ये रेशियो किसका है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का रेशियो है, बट ये रेशियो इज अ फिनोटिपिक कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर। जब इसका जीनोटिपिक देखा गया तो इसका फिर एक चीज और समझ में आया कि इस 16 वाले, क्योंकि हम इसका बता अभी समझा रहे हैं, हम आगे जब लिखेंगे तो हम पूरा इसमें फिगर बना देंगे, क्रॉस करा देंगे। इसमें जब रिजल्ट हुआ तो पता चला कि हर एक प्लांट, 16 प्लांट का प्रोडक्शन हुआ, 16 प्लांट का प्रोडक्शन होने में ईच एंड एवरी जितना भी प्लांट बना उसमें कोई भी करेक्टर था, तो उसमें से ये चीज देखा गया कि सब में कोई ना कोई एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, या तो ये प्रेजेंट है तब वो एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन लास्ट वाला एक ऐसा प्लांट था जो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें रेसेसिव का जीन प्रेजेंट था और वो जो होता है वो एक्सप्रेस कर गया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से तीसरा प्रिंसिपल लाया जिसको बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब सबका रिजल्ट एक है बट एक जो है वो रिजल्ट अलग हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझना, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लो एक पिंक रोज लेते हैं, एक व्हाइट रोज लेते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, आई मीन फर्टिलाइजेशन हुआ, या तो पिंक या तो व्हाइट, लेकिन वहां सॉरी पिंक व्हाइट नहीं, रेड एंड व्हाइट रोज को लिए, दोनों को फ्यूज कराए, तो या तो रेड या तो व्हाइट, लेकिन वहां पे आ गया तीसरा ही कलर, वो आ गया पिंक। वो भी एक तरह का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही एग्जांपल है। इस तरह से वही चीज यहाँ पे दिखाया कि 16 जितना भी था, 15 जो प्लांट था उसका जो जीन का स्टडी हुआ, जिसमें देखा गया कि हर एक प्लांट में कोई ना कोई डोमिनेंट जीन है, लेकिन ये जो 16वां हुआ उसमें से सारा जीन रिसेसिव था और वो एक्सप्रेस किया हुआ, इसीलिए वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये सबसे अलग है और इससे सब अलग था, ठीक है। वही बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये तीन रूल ये दिया था, ठीक है। तो यही है इसका मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड के क्रॉस में। आगे हम जो तुमको लिखवा रहे हैं वो लिखते चलो, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट जब होगा, तो हम ऑब्जर्वेशन, हाँ, इसमें एक और चीज, जैसे हम लोग पढ़ते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, तो डोमिनेंट कैरेक्टर किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना, डोमिनेंट कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑलवेज एक्सप्रेस हो रहा है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, पहला। दूसरा, इसमें जब रेशियो हम लिखे थे 9:3:1, तो दो टाइप का रेशियो होता है, एक होता है फिनोटिपिक रेशियो, ये तो वहीं से आया, उसके बाद ही आया, पहले नहीं था, पहले एक्सपेरिमेंट के पहले कुछ भी नहीं था, एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये सब डिनोट किया गया जाके। फिनोटिपिक रेशियो मतलब एक्सटर्नल अपियरेंस, की बाहर से दिखने में क्या लगता है, एक्सटर्नल अपियरेंस। तुम लोग को पहला जो एक्सपेरिमेंट था इसमें क्या बताया था कि पहला जो प्रोडक्ट है वो चार टॉल प्लांट है, लेकिन दिखने में टॉल लग रहा था, लेकिन उसका जीन का देखो क्या है रेशियो, एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है ना, तो जीनोटिपिक रेशियो में जीन का अपियरेंस, जीन जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से जो रेशियो है वो जीनोटिपिक रेशियो में आता है, और फिनोटिपिक में, फिनोटिपिक रेशियो में जो एक्सटर्नल, जो हम लोग प्रोडक्ट हुआ और हम उसको दूर से देखकर ऑब्जर्व किया कि हाँ चार गो लंबा है, दो गो छोटा है, या जो भी है लंबा वो फिनोटिपिक, लेकिन उस प्लांट में जिन किसका किसका प्रेजेंट है उसका रेशियो इज अ जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अब तीसरा चीज ये जान लो कि हम लोग डोमिनेंट जीन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल और रिसेसिव जीन को हम लोग बोलते हैं स्मॉल, तो ये एक डिनोट किया गया, एक रिप्रेजेंट किया गया कि हम लोग किसको समझेंगे कि ये डोमिनेंट है और किसको समझेंगे कि ये रिसेसिव है, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसको कैपिटल में लिखना स्टार्ट कर दिया और जो रिसेसिव था उसको स्मॉल लेटर में लिखना स्टार्ट,
तो ऐसे कौन पता क्या है, पहले तो एबीसीडी करके होता ए और बी इस तरह करके होता था, लेकिन यहाँ जब देखा कि नहीं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर में भी ये देना बहुत जरूरी है कि कैपिटल कौन स्मॉल कौन, तो वो वही चीज बताएगा क्योंकि ये दिन है ये दिन है, दोनों में कौन एक्सप्रेस हुआ कौन नहीं हुआ, कौन डोमिनेंट कहलाएगा कौन रिसेसिव कहलाएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के बाद ही रेशियो लिखा गया। एक और सवाल बहुत सारा स्टूडेंट लोग करता है कि आखिर टॉल को ही डोमिनेंट क्यों बोला, एक एक्सपेरिमेंट होगा उसके लेवल का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा उस टाइम पे और उससे वो ऑब्जर्व निकाला कि नहीं टॉल जो है सबसे ज्यादा करेक्टर शो करा तो ये डोमिनेंट हो जाता है बस, ठीक है यही चीज है। तो ये था तुम्हारा कुछ बेसिक्स कैसे कैसे वो क्या क्या किए थे। तो सबसे पहले अब टॉपिक दो जेनेटिक्स का कुछ हम लिखते हैं, लिखते जाओ क्योंकि इसमें अगर नोट्स नहीं लिखाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलो हम बोर्ड पे लिखते जाएंगे, तुम लोग नोट करते जाना, ठीक है। जेनेटिक्स सबसे फर्स्ट the branch of biology that deals with the study of heredity and variation is known as genetics, ठीक है। ये पहला genetics point देके लिखना, genetics topic दो, फिर इसका ये दूसरा कि heredity क्या है, heredity, ठीक है। इसमें लिखोगे it is the transmission of characters from parents to offspring, ठीक है। तीसरा है इनहेरिटेंस, इसका डिफिनेशन लिखोगे इट इज द प्रोसेस बाय विच characters or traits pass from one generation to the next generation, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे टॉपिक दो वेरिएशन, वेरिएशन ठीक है। देखो इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन the progeny in the progeny and between the progeny and the parents चलो इसको नोट करो जल्दी।
टॉपिक द बेसिक फीचर ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक फीचर basic feature of inheritance. ठीक है, तो कौन कौन पहले साइंटिस्ट समझ लो, कॉल ट्यूटर जो 1760 में दिया, गॉस जो 1822 में दिया, और नाइंड नाउडिंग 1862 में। ये तीनों साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग के हिसाब से बेस दिया था, जो कि पांच फीचर था। सबसे पहला फीचर था ट्रैट्स हैव अल्टरनेट फॉर्म। दूसरा, ट्रैट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द इंडिविजुअल बाय डिस्क्रीट पार्टिकुलेट entities which do not get blended. ब्लेंडेड का मतलब अगर नहीं समझ में आया तो ब्रैकेट में और करके मॉडिफाइड लिख देना, कि मॉडिफाइड नहीं हो सकता था। ठीक है, तीसरा जो करेक्टर है वो क्या है, मतलब ऑन अल्टरनेट ऑफ ट्रेड्स ऑफ ट्रेड्स may be exhibited more often than the other. क्या है उसके बाद है चौथा, an alternate form of a trait may remain hidden for one or more generation and then reappear in the unchanged state. ये लास्ट है, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टू और मोर ट्रैक्स में अकर टुगेदर in one generation and separate particular form of two or more traits may occur together in one generation and separate each subsequent
इज सब सी क्वेंट जनरेशन, ये पांच था, इसको नोट करो। हो गया सर, हो गया ना। चलो अब टॉपिक दो, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिस क्या था इनहेरिटेंस का, वही जो बताए कि जीन फैक्टर जो हुआ वही सब चीज। मेंडल 1866 प्रपोज्ड दैट इनहेरिटेंस इट्स कंट्रोल्ड बाय पेयर्ड जर्मिनल units or factors now called क्या होगा, जीन हो जाएगा। ठीक है, they are present in all cells of the body and are transferred to the next generation through gametes, factors or genes are thus physical basis of heredity. ठीक है, हेरिटी। क्या हुआ, हाँ।
things or factors are passed from one generation to next generation from one cell to its daughter cell are component of chromosome. कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम के ब्रैकेट में ना बेसिस ऑफ हेरिडिटी यही है, हेरिडिटी यही है, ठीक है। इन क्रोमोसोम डीएनए इज प्रेजेंट, जो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। So, DNA is the chemical basis of heritage. Let's note karo. जा रहा था, तुम जा रहा है तो जा रहे हो। हो गया नो सर, थोड़ा रुकिएगा। हाँ लिख लो, आराम से लिख। हो गया सर, हो गया ना, ठीक है। तो आज है इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मेंडल का हिस्ट्री से, ठीक है। जहां तक पढ़ाए हैं, जहां तक आज समझाए उसको पढ़ के आना, ठीक है। क्योंकि फिर जब कल हम, क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे मतलब लिखने से ही, क्योंकि आज जहां तक पढ़ाए हैं ना वहां तक पहले लिखा देंगे, फिर आगे पढ़े समझेंगे, ठीक है। तो तुम लोग उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। रिवाइज करके आओ नेक्स्ट क्लास हमको, आई थिंक लगता है कल जो भी हो, नेक्स्ट एक दो दिन में जो भी क्लासेस होगा उससे, क्योंकि देखो उसमें हम तीनों लॉ बता दिए हैं, तो कम से कम तीनों लॉ का जो एक्सपेरिमेंट जैसे कैसे किया था F1 में F2 में जो हुआ है वो जो बताया उसको करके आना रिविजन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम मेंडल से स्टार्ट करेंगे, ठीक, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट क्लास करके आना, ठीक है। फिर और कुछ पूछना, अगर कुछ और अगर कुछ किसी कुछ पूछना है, डाउट वगैरह है तो कुछ जो नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो, हम फिर बता देंगे। हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस था F1 F2 वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंट हुआ, कहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ,
अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये सब कॉमन चीज तुमको वहां मिलेगा, जैसे फैक्टर किसको बोला, ट्रैट किसको बोला, जिन जो बाद में जो हम ये लिखा है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले हम बताए थे ना फैक्टर बोला फिर जिन बोला, ट्रैट पहले बोला फिर अभी कैरेक्टर बोला, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली देखो यहाँ पे जो आया क्या है, क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए, डीएनए के अंदर में जीन है, ठीक है। तो किसको केमिकल बेसिस बोले, किसको फिजिकल बेसिस बोले, यहाँ सब तुमको दिख रहा हो। तो फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब मेंडल से उनका हिस्ट्री वगैरह जो भी है, उसमें भी कुछ कुछ चीज है वो लिखवा देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।